नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज सागर जिले के राहतगढ़ में शहर कांग्रेस अध्यक्ष फहीम कुरैशी के नेतृत्व में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर राहतगढ़ तहसीलदार महोदय को कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। राहतगढ़ नगरीय निकाय की मतदाता सूची में लगभग 1500 से 2000 मतदाता अवैध रूप से सम्मिलित हैं, जिनके नाम अन्य ग्रामों में व राहतगढ़ नगरीय निकाय की मतदाता सूची में अवैध रूप से सम्मिलित हैं, जबकि लगभग 2000 ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम राहतगढ़ नगरीय निकाय की मतदाता सूची में वैधानिक रूप से सम्मिलित होना आवश्यक है तथा पूर्व में वर्ष 2014 में किए गए राहतगढ़ नगर के वार्ड के परिसीमन के अनुसार जिस वार्ड की जो सीमा निर्धारित की गई है उस वार्ड की मतदाता का नाम निर्धारित सीमा वाले वार्ड में ही सम्मिलित किया जावे। इसके साथ ही नगर राहतगढ़ के चौराहे व नगर परिषद में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाना आवश्यक है। शीघ्र कार्यवाही कर 4 दिवस के अंदर राजगढ़ नगरीय निकाय की मतदाता सूची में अवैध रूप से सम्मिलित नामों की जांच कराई जाकर उन नामों को पृथक कर नवीन वैध मतदाताओं के नाम सूची में सम्मिलित किए जाएं। ज्ञापन के संदर्भ में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह लोधी, नंद किशोर भारती, रईस कुरैशी, मजले नेता भैरू आठिया, सादिक चौधरी एवं सभी युवक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सागर राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। उनके संबंध में देखिए, नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका नगर पंचायत अध्यक्ष बने बैठे हैं। अभी आने वाले समय में चुनाव है तो जो फर्जी मतदाता उनके नाम काटे जाएं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी कुछ लोग जुड़े हैं, 1 नंबर वार्ड है, 14 है, 15 में उनके फर्जी नाम काटे जाएं और क्या नाम से सारे विभागों में, मैं अकेले नगर पंचायत में नहीं बोल रहा हूँ, सारे विभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि उसकी सही विवेचना हो सके, सही कार्य योजना चालू हो सके। हम कांग्रेस के लोग सिर्फ मुद्दे उठा सकते हैं, काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है और हमारे नगर अध्यक्ष जी ने जो 3 योजनाएं दी हैं उनको पूर्ण रूप से तत्कालीन ही उसका काम चालू हो जाना चाहिए। यदि काम चालू नहीं होता तो हम लोग कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे और राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे और धरना आंदोलन भी करेंगे। हम लोगों को काम लड़ना है, काम करने का काम सरकार का है, सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तीसरी मांग क्या है? तीसरी 2000 के लगभग वो जुड़ना चाहिए और उसका प्रायोजन भी है कि 2021 जनवरी 2021 तक वो नाम जुड़ सकते हैं, तो नाम जोड़ने का काम होना चाहिए और जो फर्जी नाम है वो कटना चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में कुछ फर्जी मतदाता जुड़े हुए हैं और जो वास्तविक मतदाता है बहुत से उनके नाम नहीं है, तो हम लोगों की मांग है कि जो फर्जी मतदाता है उनके नाम काटे जावे और जो वास्तविक मतदाता है या जो नए मतदाता हो गए हैं 18 साल से के उनके नाम जोड़ दिए जावे। और दूसरा ये था कि राहतगढ़ नगर में व नगर पालिका में सीसीटीवी कैमरे हैं नहीं, हम लोगों को अंदेशा है कि कहीं भी किसी पर झूठा मुकदमा कायम ना हो, इसलिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जावे क्योंकि चुनाव का वक्त आने वाला है, इसलिए सीसीटीवी कैमरे बहुत जरूरी है। पहले भी कई बार मांग हो चुकी है कि सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएँ जिससे कि निर्दोष लोग बच सकें। आपने जो मांगें रखी हैं अगर वो पूरी नहीं की गई तो आगे आप क्या करेंगे? आगे यही है कि अब हम लोगों की तो मांग है, मांग रख सकते हैं, नहीं मांगेंगे तो हम राज्यपाल को अपना ज्ञापन भेजेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ देंगे ज्ञापन, कलेक्टर साहब को देंगे, यही है हम लोगों का, तो हम लोग तो मांग रख सकते हैं। तो संबंध में दिया गया, हमने ज्ञापन जो दिया है वो एसडीएम महोदय जी के माध्यम से हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है। पूरे क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नगरीय निकाय चुनाव की 2020 की इन्होंने नगरीय निकाय की सूची बनाई है, इससे हम कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में वोटिंग जुड़ने का प्रावधान ये बोल रहे हैं अधिकारी वर्ग और निर्वाचन आयोग। हमने 2021 में जो अभी नाम आए हैं वो अवैध रूप से 2000 लगभग वोट यहाँ ग्रामीण लोगों के जुड़े हैं और इतने ही लोग जो वैध तरीके से रह गए हैं उनके नाम जुड़ना अनिवार्य है। तो हम शासन प्रशासन से कलेक्टर महोदय जी से विनम्र निवेदन आग्रह करते हैं कि शीघ्र ही ये नाम जोड़े जाएं। और हमारी और भी जो तीसरी मांग है वो 2014 में नगरीय निकाय चुनाव से पहले परिसीमन हुआ था वार्ड बाई वार्ड, तो उन वार्डों के आधार पर तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जो गाँव ग्रामीण में हैं, जो बाहर चले गए हैं, जो भोपाल हैं और जो अन्य वार्डों में हैं, तो उनके जांच कराकर जो जिस वार्ड में परिसीमन के आधार पर रह रहा है
उसी वार्ड के अंदर उसका वोट आना चाहिए, ये अनिवार्य है। और हमारी एक मांग है सीसीटीवी कैमरे पूरे मोहल्लों में जो तमाम अवैध रूप से काम करते हैं लोग वे लगाए जाएं, ताकि जो निर्दोष लोग हैं वो सुरक्षित रह सकें चौराहों पे। और वहाँ से जाओ तो ये हमारी नगर परिषद के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, क्योंकि हम लोग पार्षद थे इससे पहले भी, ये पूरे नगर के अंदर चौराहों पर ये स्वीकृति थी, आज दिनांक तक नहीं लगी। तो मैं माननीय एसडीएम महोदय जी के माध्यम से कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि शीघ्र ही ये हमारी मांगें पूरी करी जाए, अन्यथा 4 दिवस के अंदर, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और ऊपर तक जाएंगे।